हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। जी हां फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोगों ने इससे पहले रेस जैसे कोई चीज़ नहीं देखी होगी, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो जो थोड़ी स्पेशल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर टाइटल थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ चुके होंगे, दो आप लोगों को यहां पर बाइक दिख रही है। एक है हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 और दूसरी है होंडा एसपी 125। और इन दोनों, ये जो दोनों बाइक है, इसकी मैं आप लोगों को एक रेस दिखाने वाला हूं। कोशिश करेंगे टॉप स्पीड तक पहुंचने की, अगर हम लोग रास्ता हमें परमिट करती है तो मैं आप लोगों को इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। बहरहाल दोनों हम लोग इसमें रेस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब गियर पे कितने स्पीड पे जाती है या फिर कौन ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सेलरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, आप लोग इसके मजे लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग मजे ले ही रहे हैं तो भाई के जो चैनल उसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं GoPro के सेटअप में। और भाई लोग मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, ये हमारे साथ है अभी शोरिक मोटोवर्ल्ड के जो चैनल होस्ट है। हाय दोस्त। ठीक है, तो ये आज इनके साथ मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये रेस वगैरह की, तो इसमें मेरी ये हमेशा हेल्प करेंगे। तो मैं चैनल पे बने रहो, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव सीरीज आने वाला है। आप लोग जो लोग मतलब यंग एज जो लोग है वो लोग सोचता है कि कौन सा बाइक का क्या स्पीड वगैरह है, क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, तो वो सब आप लोगों के एंटरटेन के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं। आप लोग कृपया करके ये सब ट्राई मत कीजिए। आप लोग हम लोग का वीडियो देख के एक नॉलेज ले लीजिए कि ऐसा परफॉर्मेंस होता है, तब जाके आप शोरूम पे जाके आप विजिट कर सकते हो। और मोटो रीडिफाइन को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और आप लोगों को अगर ये दोनों बाइक को अगर खरीदना है तो ये होंडा जो है लीडर्स होंडा का आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये जो एक्सटेक है, एक्सटेक को अगर आपको खरीदना है तो बुंदा थीरो पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक वर्सेस होंडा एसपी 125 का रेस। ठीक है, तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन नाम का व्हीली हो गया था भाई, व्हीली तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक के साथ एसपी 125 का रेस। पहली बार करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स और तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर व्हीली हो रही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब शायद इसमें गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है अभी थोड़ी सी, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, अब इसकी भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल, आपका भाई पहली बार करने जा रहे हैं ऐसा कुछ, तो गियर शिफ्टिंग में भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल हो रही है। और देखिए भाई अभी बहुत आगे निकल चुके हैं। ये देखिए अभी हम लोग दूसरी बार भी इसको ट्राई करेंगे और ये हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एसपी 125 जो है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में बिल्कुल है। ठीक है, शुरुआत से ही भाई इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इसको लॉन्च भी कर रहे हैं और वैसे बाइक भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी ले रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। भाई आप हॉर्न दीजिए। परफेक्ट शिफ्ट हो रही है फ्रेंड्स, परफेक्ट शिफ्ट है, लेकिन देखिए फिर भी एसपी काफी आगे निकल रही है। परफेक्ट शिफ्ट है भाई, एसपी को अच्छा दौड़ा रहे। हम भी कम नहीं है, लेकिन
शिफ्टिंग भी परफेक्ट थी लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी पीछे हो रहे हैं। हाँ शुरू में आगे निकल जा रहे हैं, आई डोंट नो हाउ। पूरी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो शटल केबिल है पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं फ्रेंड्स। अभी आप लोग देख सकते हैं फिफ्थ गियर पे मैंने इसको अभी डाल रखा है। और 105 की यहाँ पर टॉप स्पीड आ रही है भाई, काफी आगे निकल चुके हैं। अभी 105 गया था, 105 मतलब टॉप स्पीड दोनों का करीबन सेम है लेकिन इसका इनिशियल थोड़ा सा कम है। अच्छा भाई आपकी वेट कितनी है, आपका वेट कितना है? मेरा वेट लगभग 55 kg। अरे भाई यहीं पे थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, मेरा अराउंड 74 है। हाँ इसीलिए थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे भाई। वो देखिए भाई, भाई बहुत सामने ही है, ज्यादा पीछे नहीं है। अभी भाई शायद थोड़ी पीछे है। और फ्रेंड्स ये तो कहना होगा इसका इनिशियल बहुत तेज है, अगर आप इसको ग्लैमर से भी अगर आप इसको मिस करते हैं तो ग्लैमर से भी इसका इनिशियल बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ पर 107 तक गई थी अभी इसकी टॉप स्पीड, ये देखिए 106-107 तक इसकी टॉप स्पीड जा रही है। और भाई को देखते हैं भाई कहाँ है, भाई काफ़ी पीछे था। भाई काफी पीछे थे तो हाँ ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स की दादा 107 देखेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा करें, और एक बार देख लेते हैं। चलिए भाई सेटिस्फाइड नहीं है, राइट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मेरे को भी सेम चीज हो रहा है, व्हीली मार रहे हैं गाड़ी में, सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? हाँ वो हो सकता है, कोई भी रीजन है। स्टार्ट करें, तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे दोबारा। अभी देखिए भाई ने स्पीड ले लिया है, अभी भाई थोड़ी आगे जा रहे हैं। एक सौ दो और शायद भाई को भी हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। टाटा भाई भाई, भाई पीछे हो चुके हैं। थोड़ा सा स्लिप स्ट्रीम का मदद मैंने लिया है फ्रेंड्स, काफी वीडियो में देखा था मैंने स्लिप स्ट्रीम, और आज जब पहली बार इसको कर रहा हूं तो बहुत मजा भी आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मजेदार चीज है फ्रेंड्स, स्लिप स्ट्रीम मजेदार चीज है। भाई को हम लोगों ने अराउंड 90 के ऊपर वाली स्पीड में छोड़ा था, ये काफी मजेदार है फ्रेंड्स स्लिप स्ट्रीम। मेरा इस पे अराउंड 105 तक, उसके बाद मैंने रोक दिया। आपका कितना गया? 100, मेरा भी 105 106 जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा
हाँ ये इस गाड़ी का मैं बता रहा हूँ आपको, इसका इनिशियल भी स्ट्रांग है ठीक है, और इसका मिड रेंज अगर जब मिड पार हो रहा है ना, जब इसका टॉप रेंज पे चढ़ रहा है तब भी गाड़ी इसका स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू एक्सटेक। हो सकता है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, क्योंकि देखिए ये गाड़ी मैंने व्हीली भी करी, आप कितना भी आप इसको इसका इसलिए उस टाइम व्हीली हाँ, क्योंकि आप कितना भी इसमें क्लच एडजस्ट कर लीजिए व्हीली इसमें फिर भी होगा, अगर आप इनिशियल में अगर आप खींच रहे हैं तो इसमें व्हीली भी करेगा। और एक चीज़ है भाई, यहाँ पर मैंने रेडर में भी टेस्ट किया था, रेडर में भी सेम चीज़ है, उसका भी चक्का एकदम बिल्कुल इसकी तरह ही है मान के चलिए ठीक है। अगर एसपी से आप कंपेयर करते हैं तो उसका भी चक्का एसपी से चौड़ा था लेकिन वो भी वबल कर रहा था, लेकिन ये स्टेबल है, काफी स्टेबल है, ये स्टेबल गाड़ी है। इसमें स्पीडो एरर भी है, स्पीडो एरर हो सकता है इसमें, स्पीडो एरर इसमें ज्यादा स्पीडो एरर नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें 107 दिखा रहा है, ये भी 107 दिखा रहा है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब इसमें ये जो इनिशियल जो गैप मेंटेन हो जा रहा है ना, देखिए इनिशियल गैप पहले भी मेंटेन हुआ लेकिन मैंने फिर भी खींच लिया क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इससे बेटर है। आप स्लिप स्ट्रीम किए थे? बिल्कुल मैं स्लिप स्ट्रीम किया था, मैं बिल्कुल आपके पीछे से गया और मैं आगे निकल गया। स्लिप स्ट्रीम करके अगर गाड़ी में दम नहीं है तो स्लिप स्ट्रीम जितना भी करो साइड में जाके वो पीछे आ जाएगा। हाँ फिर आप मेरे को पकड़ सकते हो अगर गाड़ी में दम है तो, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा। हाँ क्योंकि इसका पीछे से स्लिप स्ट्रीम करना पड़ रहा था। हाँ मैं स्लिप स्ट्रीम किया और मैं आगे निकल गया, मैंने बोला भी था, मेंशन भी किया था कि स्लिप स्ट्रीम का मेरे को अभी इसमें मतलब एडवांटेज मिला है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने रेस देखा है ठीक है, कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा, हम लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ग्लैमर की जो टायर है मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मोटी है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको बेहतर मिलेगी। यहाँ पर आप लोग ऐसे चिढ़ाते भी हैं बहुत लोग कि यहाँ पर होंडा में यहाँ पर आप लोगों को साइकिल की टायर मिलती है, बट इन फैक्ट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेबिलिटी की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ यहाँ पर ये भैया भी हमारे साथ है, आज तक मेरे को मालूम चला है ये जब 100 के ऊपर जा रहा है हैंडल वोबल कर रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पर ग्लैमर की जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पीछे की जो टायर है ठीक है वो भी काफी बेहतरीन है, इससे मोटा है ठीक है, चौड़ा टायर यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन मतलब गजब की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी बेहतर मिल रही है ठीक है। हम दोनों लोगों ने ये वाला चीज़ फॉलो किया। और एक चीज़ देखिए, अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पर ये मतलब क्लच का सेटिंग्स ऐसा है या नहीं, लेकिन शुरुआत में ना व्हीली भी हो जा रहा था ना भैया, आप लोगों ने आपने देखा होगा भाई, हो रहा था ये व्हीली हो रहा था, यहाँ पर कंट्रोल करना हो रहा था, तो इसका एक्चुअली नियम बाइक है तो क्लच जो है मतलब पूरा टाना हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्हीली भी हो रही थी, लेकिन ये बात है मतलब दोनों बेहतरीन बाइक है ठीक है। अब देखिए हर रोज परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो एसपी काफी मतलब स्टेबल भी है और एसपी काफी परफॉर्मेंस में भी आगे रहा बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ज्यादा डिस्टेंस नहीं था लेकिन तब भी ये स्टेबल भी है और ब्रेकिंग भी इसका मस्त है और इनिशियल वगैरह जो है एसपी 125 ज्यादा मेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगा ठीक है दोनों बेहतरीन बाइक है, अब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अब हर रोज नहीं चलाएंगे, तो अब आप लोग दोनों अब बहुत लोगों को ये मतलब प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा बाइक खरीदे, तो मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स दोनों बाइकों की टेस्ट राइड लीजिए ठीक है। आप लोगों को जो पावर में ये डिफरेंस है ना ऑन पेपर है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा चलाने भर में आप लोगों को मतलब ये सब पावर वगैरह की जो चीज़ आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी और वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।